सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गुजराती किचन्स को और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसाला छाछ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला छाछ की रेसिपी। मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दही। दही को मैं ऐसे ही मिक्सर जार के अंदर ऐड करेंगे और उसके साथ में डालूंगी 2 चम्मच फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते। उसके साथ ही मैं डालूंगी 6-7 पुदीने के पत्ते। उसके साथ ही मैं ऐड करूंगी 1/2 हरा मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो छाछ का टेस्ट तीखा हो जाएगा। उसके साथ ही मैं 1.5 कप जितना पानी को ऐड करेंगे। अगर आप दही की जगह छाछ यूज़ करना चाहेंगे, प्लेन छाछ, तो भी आप कर सकते हैं। और मैंने दही ठंडा यूज़ किया है इसलिए पानी को नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है छाछ तो ठंडा पानी या आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून जितना काला नमक ऐड किया मैंने और 1/4 टीस्पून जितना काले मरी का पाउडर। और इसको मिक्सर में एक से दो बार क्रश कर लेंगे ताकि छाछ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी मसाला छाछ अच्छे से बन के रेडी है। तो अभी हम उसको सर्व करेंगे। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये मेरी मसाला छाछ बनके तैयार है। आप ये मेरी रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।